इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवा बहाल कर दी गई है। हिंसा के बाद ढाका में भारतीय वीजा केंद्र फिर से शुरू किया गया। अभी सिर्फ सीमित सुविधाएं ही बहाल वहां पर की गई है। बांग्लादेश में स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच जो वीजा सेवा है वो एक बार फिर से बहाल हुई है। हिंसा के बाद ढाका में भारतीय वीजा केंद्र फिर से शुरू हुआ। अभी सिर्फ सीमित सुविधाएं ही यहां पर दी जाएंगी। इसी बीच बांग्लादेश से ही एक और बड़ी खबर है। ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस। हिंदू समुदाय से वहां पर मुलाकात हुई है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक घबराए नहीं, मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये कहा गया। ये तस्वीर आपके सामने, ढाकेश्वरी मंदिर में इस समय हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, वहाँ उनको संरक्षण दिया गया है, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच ढाकेश्वरी मंदिर जहाँ पर हिंदू इस समय हैं वहाँ मोहम्मद यूनुस पहुंचे हुए हैं। हिंदू समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर ढाकेश्वरी मंदिर में हैं और उनसे मुलाकात की तस्वीर मोहम्मद यूनुस की। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक घबराए नहीं, मोहम्मद यूनुस ने ये वक्तव्य दिया है।